Hello, my dear student and my dear subscriber. Welcome to my channel. Today we will discuss new topic of inorganic chemistry, buffers. Before to that, please subscribe my channel and don't forget to like and share the video. And you know my channel name is Science and Vigyan. So we'll start the first introduction of the topic. And ये जो video है ये totally हिंदी में होने वाली है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ते जो जिनको डिफिकल्टी हो रही है इंग्लिश में पढ़ने के लिए. हम टॉपिक को समझेंगे, ठीक है? उसके बाद आप इंग्लिश को लर्न कर लेना. पहले आपको हिंदी में तो आना चाहिए कि क्या है टॉपिक, ठीक है? आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है टॉपिक है बफर. द इटसेल्फ जो टर्म है वो वेरी बहुत इजी है, बफर है. बट जो क्या है, जो बफर है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. ये डिफरेंट मेथड से इसको हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बफर हैं. आज हम वन बाय वन करके इसको इन इन डीप डिस्कस करेंगे. क्या है बफर, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी एचपी में भी इंपॉर्टेंस है, इनऑर्गेनिक में तो है ही है. जैसे हम अगर कोई जैसे अगर आप कोई ड्रग बना रहे हो, कोई मेडिसिन बना रहे हो, हमने उसकी एक्टिविटी देखने के लिए बफर बनाना है, तो आपको पहले उसकी इम्पोर्टेंस पता हो, कैसे बनता है और वो है क्या, ठीक है? ये जो टॉपिक है टोटली उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं बफर. हो सके तो आप नोटबुक पे नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको दोबारा दोबारा वीडियो बैक जा के नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें एग्जाम्पल भी डिस्कस करने वाली हूँ जो पेपर में लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो अगर आप इसको लिखोगे, ठीक है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे डिस्कस. क्या है इसकी डेफिनेशन, नीचे रख लेते हैं उसको. हाँ, इसको ऊपर उठाऊं. हो सके तो आप इसको लिख लो, क्योंकि डेफिनेशन तो एज इट इज सेम होती है. जैसे हम अगर पेपर में आए व्हाट डू यू मीन बाय, उसमें आप लिख सकते हो. अगर कोई डिफाइन पूछे, डिफाइन में तो एज इट इज सेम लिख दो कि दैट इज फाइन, ठीक है? अब डेफिनेशन क्या है बफर, हम किसको कहते हैं? ये कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसकी जो प्रेजेंस है, मतलब अगर किसी सोल्यूशन में बफर होगा तो उसकी जो प्रेजेंस है सोल्यूशन में वो रेजिस्ट चेंज इन पीएच कर देगी, ठीक है? रेजिस्ट चेंज इन पीएच क्या है, अगर सपोज मैं उसमें कोई एसिड डाल लूँ या मैं कोई बेस डाल लूँ. हमें पता है बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे एसिड और एल्कली लिखा हुआ है. आप एसिड और बेस भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर मैं उसमें ऐड करूँ 1 ml करूँ, 2 ml करूँ, जो पीएच है वो सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है? उसको हम बफर बोलते हैं. अब इससे पहले आपको पीएच का पता होना चाहिए. अगर फिर भी कोई डाउट है, वैसे मैं डेफिनेशन बता देती हूँ. पीएच क्या है, इट इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन. फिर भी अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो. जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं इसको भी डिस्कस करूंगी, पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई पूछे कि क्या है पीएच, तो हमें पता होना चाहिए. लाइक दिस इज अ बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट. उसके बाद अगर कोई आप सब्जेक्ट जैसे आप डिग्री खत्म होगी, मास्टर्स खत्म होगी, फिर आपको कोई पेपर क्रैक करना पड़ेगा, तो जो पेपर होता है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें जनरली बेसिक्स ही आते हैं, उसमें कोई एडवांस नहीं पूछता. सबको पता है एप्लीकेशन, पता ही है अगर आपने डिग्री और मास्टर्स कर ली या पीएचडी कर ली, बट आपको उसकी बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है? अब नोटबुक ओपन करो और डेफिनेशन लिख लो, ठीक है? क्या है डेफिनेशन? कंपाउंड्स आर द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन द पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और एल्कली दैट नोन एज बफर, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब वैसे तो ये बहुत पैराग्राफ टाइप है, ये जो मैंने पीपीटी बनाई है ये नोट्स की फॉर्म में देने के लिए बनाई है, ठीक है? अब मैं आपको पहले समझाती हूँ, इसको लिखो मत. तो इसकी जरूरत क्या है, हम जैसे मैंने बताया कि बफर के अलग अलग टाइप हैं, ठीक है? बनाने के अलग अलग मेथड हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. अब उसकी उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है? जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो हमें माइंड में होना चाहिए कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या इसकी जरूरत है. जैसे हमारे कोर्स में क्या जरूरत है, वैसे इसकी क्या जरूरत है, ठीक है? कह रहे जो जो सोल्यूशन की ना, अगर हम सोल्यूशन को सेव करें, स्टोर करें, सॉरी, जब बनाए,
तो उसकी जो पीएच है ना वो सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टोर कर दूं किसी सोल्यूशन को, ठीक है, उसकी पीएच चेंज हो गई, ठीक है। अब बताओ चेंज होती क्या है, उसका क्या रीजन है। हमें पता है जो एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर जो हमारा सोल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो क्या एसिड बन जाता है, तो मतलब जो उसकी पीएच है वो क्या चेंज हो जाएगी, बढ़ेगी क्या कम हो जाएगी, वो क्या होगी पीएच जो कम हो जाएगी, एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। या फिर जो जैसे हम किस में स्टोर करते हैं कोई सोल्यूशन को, या हम किसी ग्लास बॉटल में स्टोर कर लेते हैं या फिर प्लास्टिक बॉटल में स्टोर कर लेते हैं, और कभी कभार जो ग्लास होता है ना, जो ग्लास कंटेनर होते हैं, ठीक है, उसमें एल्केलाइन एल्केलाइन इम्प्योरिटीज लगी होती है इसकी वॉल पे, और कभी कभार क्या वो लीच आउट करके सोल्यूशन में आ जाता है। तो वो जो अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उसकी क्या है पीएच है वो बेसिक हो जाती है। इसलिए हमें बफर डिजायरेबल है, ठीक है, क्या वो मेंटेन करते हैं पीएच। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपने किसी अपने पेशेंट को 7.4 पीएच का बफर सोल्यूशन उसको देना था, ठीक है, आपने उसको दे दिया, उसने अपने घर रखा, दूसरे दिन उसने पिया, और दूसरे दिन क्या उसकी पीएच चेंज हो गई, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया, एक तो अगर जो सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर से इन्वायरमेंट से तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर वो जो ग्लास है वो लीच आउट कर जाएगा वॉल से तो वो क्या बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो पीएच के ऑल्टर हो जाएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें पीएच को सेम रखना है क्योंकि हमने अपने पेशेंट को डिजायर पीएच वाला कोई सोल्यूशन देना है, तो क्या हम करेंगे जो वो सोल्यूशन है उसमें क्या हम बफर ऐड कर देंगे। बफर का फंक्शन क्या है आपको डेफिनेशन पता ही है, बफर क्या होते हैं जो पीएच को रेसिस्ट चेंज इन पीएच, इसका मतलब क्या है पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, चाहे हम एसिड ऐड करें चाहे हम बेस ऐड करें पीएच क्या है वो सेम रहती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कईयों को हिंदी नहीं समझ आ रही तो पंजाबी में भी डिस्कस कर लेंगे अगर आपको जरूरत है, वैसे मुझे लग रहा है अब तो समझ आ रहा है, ठीक है, जरूरत क्या है बफर की। अब किस क्या है इसकी टाइप्स बफर की, ठीक है। जनरली दो तरह के बफर होते हैं, एक तो क्या होता है एसिडिक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेसिक। अब एसिडिक बफर का मतलब क्या है, आपको एसिड और बेस का पता है कि क्या होते हैं एसिड एंड बेस, ठीक है, एक एसिड होता है दूसरा बेस होता है, ये दोनों होते क्या है, कोई आइडिया है? अगर है तो प्लीज बताओ। कोई आइडिया नहीं, चलो छोड़ो फिर मैं आपको बताती हूँ। एक है एसिडिक बफर, दूसरा है बेसिक बफर, ये है उसकी टाइप्स। और एक मिसलेनियस टाइप है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट बफर, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो फॉस्फेट बफर होते हैं, उसमें दो तरह के सॉल्ट हम यूज करते हैं। अब एसिडिक बफर क्या है, एसिडिक बफर है इसमें जो वीक एसिड है ना और उसके साथ एक सॉल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, उसको हम एसिडिक बफर बोलते हैं। तो आप कोई एग्जांपल बताओ वीक एसिड की, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फाइन, ये क्या है सारे वीक एसिड्स, एग्जांपल मैंने दे रखी है। अगर फिर भी नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो और साथ में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करो, आई विल सेंड ऑल द नोट्स टू यू, फाइन, फील फ्री टू लर्न द थिंग्स, फाइन, बिकॉज मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जितनी हम जो इंफॉर्मेशन है हमें है जितनी हम स्प्रेड करेंगे तो अच्छी बात है, एजुकेशन स्प्रेड ही करनी चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है, एसिडिक बफर क्या है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस उसका कॉम्बिनेशन है। वीक एसिड क्या है, एसिडिक, कार्बोनिक, फॉस्फोरिक। एंड अब ये कौन सा एसिड है, ये आपका होमवर्क है, क्या मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं, हम अब आप बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या बोलते हैं इसको, HCOOH, क्या बोलते हैं इसको, हम लगाना दिमाग है, मैं बताऊं, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, डेफिनेशन से क्लियर है, एसिटिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट
विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड विद सोडियम डाइहाइड्रोजन, सो फॉस्फेट, सॉरी, उसके बाद फॉर्मिक एसिड प्लस सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये तो है एसिडिक बफर। नेक्स्ट इज बेसिक बफर। एसिडिक बफर, अगर उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी, उसकी एग्जांपल क्लियर होगी, तो उसका ये अपोजिट है। बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें क्या है, वीक एसिड आपको हमें पता है अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। अब इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है बेसिक बफर। नेक्स्ट चलो, फॉस्फेट बफर क्या है, या फिर डबल सॉल्ट बफर किसको बोलते हैं। कह रहे हमें पता है कि दो बेसिक टाइप है, एक है एसिड बफर, एक है बेसिक बफर, बट एक मिसलेनियस टाइप आती है जिसमें हम बोथ बफर को कंबाइन करते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर एज वेल एज अ बेसिक बफर, उसको हम थर्ड टाइप बोलते हैं। ठीक है, अब ये किस किस के कॉम्बिनेशन है, ये मोनो बेसिक पोटासियम फॉस्फेट के एंड डाई बेसिक पोटासियम फॉस्फेट के, दोनों के कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट बफर एंड द फॉस्फेट बफर। ठीक है, ओके। अब बफर क्लियर हो गया, उसकी टाइप्स क्लियर होगी, उसकी नेसेसिटी क्लियर होगी, अगर कोई उसकी इम्पोर्टेंस पूछे तो नेसेसिटी इज इम्पोर्टेंस, दोनों सेम चीज है। नेक्स्ट इज बफर एक्शन। बफर एक्शन मीन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द बफर टू शो द रेजिस्टेंट चेंज इन पीएच। समझ आई इंग्लिश? ओके, आई ट्रांसलेट। कह रहे बफर एक्शन का क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला कि ये पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे मेंटेन करके रख लेते हैं कि पीएच चेंज नहीं हो रही। ठीक है, फर्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अब इसमें क्या है, पहले हम एसिडिक बफर की एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम बोलेंगे वीक एसिड लिया साथ में इसके सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें पता है कि जो सोल्यूशन है जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट कंबाइन किए हैं उसमें लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, देन सोडियम एसिटेट आयन, देन अनसैचुरेटेड एसिटिक एसिड, ये सब है। अब इस सोल्यूशन में अगर मैं एसिड ऐड कर दूंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl ऐड कर दिया, ओहो ये ना मैंने HCl आ गया, अच्छी, अगर मैंने इसमें ना HCl ऐड कर दिया तो इसकी जो है वो चेंज नहीं होगी पीएच, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, जो HCl है ना, एक मिनट, ये तो स्पॉटलाइट है, ठीक है, जो अगर मैंने HCl डाला, ये देखो ये है HCl, ठीक है, वो ना डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव एंड Cl में। ये जो H पॉजिटिव है वो क्या है, उसने इस एसिटेट के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना दिया। ठीक है, सोडियम एसिटेट डिसोसिएट हुआ, सोडियम प्लस एसिटेट, उसके साथ ये जो एसिटेट है वो H पॉजिटिव से कंबाइन के एसिटिक एसिड बन गया। ये तो है अगर मैं एसिडिक बफर में एसिड डाल लूं। ठीक है, अब एसिडिक बफर में हम बेस भी डाल सकते हैं, अब बेस बेस का क्या मैकेनिज्म है, हाँ ये तो सेम वही बात लिखी है कि जो हाइड्रोजन आयन है यील्डेड होते हैं HCl से, वो क्या है, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अनएसोसिएटेड अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अनआयनाइज एसिटिक एसिड फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, जो कंसेंट्रेशन क्या है वो सेम रह जाती है जैसे पहले ही है। अब इसमें क्या, हम बेस ऐड करेंगे, अगर मैं बेस ऐड करूंगी
तो वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मैंने ऐड कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस, उसको मैंने ऐड कर दिया यही एसिडिक बफर में। अब इसमें क्या करेगा जो सोडियम एसिटेट है, ये देखो सोडियम एसिटेट पहले डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम एंड OH में। OH का फंक्शन क्या है, ये जो pH है ना उसको हाई कर देते हैं, उसको बेसिक कर देते हैं। बट जो OH जो हाइड्रोक्सिल जो आयन है ना, वो H पॉजिटिव आयन दैट रिलीज फ्रॉम एसिटिक एसिड दे कंबाइन टुगेदर, राइट। और क्या फिर क्या होता है, ये जो pH है फिर सेम रह जाती है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और ये जो क्या है, ये दोनों कंबाइन करते हैं वाटर की फॉर्म में, रिमूव हो जाते हैं सोल्यूशन से, तो पीएच क्या है वो सेम रह जाती है। अगर फिर भी डाउट हो रहा है, कुछ चीज नहीं क्लियर हो रही, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, राइट एनीथिंग रेलिवेंट टू द टॉपिक इटसेल्फ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब बेसिक बफर है, एसिडिक बफर हमने डिस्कस कर लिया, उसमें क्या है, हमने वीक एसिड प्लस द सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस वो डिस्कस किया था हम। अब क्या है बेसिक बफर, बेसिक बफर ठीक है, ये भी सेम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड वी नो देर इज अ लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन एंड अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक। अगर जब हम एसिड ऐड करेंगे ना, इसमें क्या है, जो एच पॉजिटिव है वो OH के साथ कंबाइन कर लिया है, आप देख सकते हो स्पॉटलाइट एक बताते हैं, हाँ आप देख सकते हो जो ये है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और द वीक बेस, ठीक है। ये क्या है, वो डिसोसिएट हो रहा है एट NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये जो OH नेगेटिव है एच के साथ कंबाइन करके H2O की फॉर्म में फिर रिमूव हो रहा है, और जो pH है वो सेम हो रही है। अब इसमें क्या, हम बेस ऐड करेंगे, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया NOH, जो ये NOH है अगेन डिसोसिएट हो रहा है, जो OH नेगेटिव है उसके साथ ये कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या, वो जो pH है ना उसको फिर मेंटेन कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा pH में, ठीक है। अब है फॉस्फेट बफर, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फॉस्फेट बफर बिकॉज इट्स टू मच फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू माई चैनल, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।